ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक बोर्ड में नहीं पूछा, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि परावर्तन के नियम को बताइए, तो उसमें जो है इन सारे टॉपिक का हम जिक्र करेंगे। परावर्तन का नियम उन्हीं को समझ में आएगा जो ये सारे परावर्तन से संबंधित परिभाषिक शब्द है उसको जाने रहेंगे। यह परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछेगा परावर्तन से संबंधित परिभाषिक शब्द क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हम थोड़ा सा यहाँ परावर्तन का जिक्र कर रहे हैं। प्रकाश के स्रोत से कोई किरण निकलती है, यह किरण जब अपारदर्शी माध्यम के किसी फिर से टकराती है तो टकराने के बाद फिर से अपने पहले वाले माध्यम में वापस मुड़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ हम परावर्तन के लिए थोड़ा सा फिगर बना देना, बिल्कुल बात मत करो, परावर्तन भी हम यहाँ पर फिगर के द्वारा समझा दे रहे हैं ताकि तुम लोग जो है फिगर के माध्यम से परावर्तन भी समझ लो। यही अपारदर्शी कोई पृष्ठ है, यह अपारदर्शी पृष्ठ है, OPQ जो है यह सरफेस है और पार्टिकल्स, ये जो है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण है, ये किस माध्यम से चल रही है, हवा से, और टकराने के बाद से फिर से किस में मुड़ जा रही है, हवा। परावर्तन किसे कहते हैं हम यहाँ समझा रहे हैं, ऐसे समझो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद से अपने पहले वाले माध्यम में वापस मुड़ जा रही है, मुड़ जाती है, हवा से चली है और टकराने के बाद से फिर किस में मुड़ जा रही है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं परावर्तन, इसको हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन क्या है, यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में कई की बार पूछा हुआ है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जो है किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह टकराने के बाद से अपने पहले वाले माध्यम में वापस मुड़ जाती है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के इस मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो आप पढ़ लिया यहाँ परावर्तन से संबंधित परिभाषिक शब्द को हम बता रहे हैं, तो समझ पा रहे हैं। तो परावर्तन से संबंधित परिभाषिक शब्द कौन कौन सा है ध्यान से समझिए। पहला परिभाषिक शब्द है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं यहाँ समझिए जी, प्रकाश के स्रोत से जो किरण निकलती है उसी किरण को कौन सी किरण कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली किरण को या आने वाली किरण को क्या कहते हैं आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आखिर से आपतित किरण क्या हो गया ए। अब आइए आपतित किरण के बाद से हम आपको बताएं परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, समझ लो जी रिफ्लेक्टेड सरफेस। आपको अभी हम बताएं इंसिडेंस रेज, आपतित किरण क्या है, तो आने वाली किरण को इंसिडेंस रेज कहते हैं। अब हम बता रहे हैं परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, यही आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस आप देख रहे हैं सीडी। आपकी जो किरण है या आपकी किरण जिस अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है उसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ को हम क्या कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। आपकी जो किरण है या आपकी किरण जिस अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है उसी पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं परावर्तक। कोई दिक्कत है, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं बता दीजिएगा। अब आइए परावर्तक पृष्ठ के बाद से आपतन बिंदु आता है, तो यह आपकी जो किरण देख रहे हैं यह आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। बताइए आकृति से आपतन बिंदु इसमें क्या है बी, बी जो बिंदु है वह कौन सा बिंदु है आपतन बिंदु। अब आइए आपतन बिंदु के बाद से परावर्तित किरण के बारे में बता रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में बता रहे हैं। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं यहाँ ध्यान से देखिए फिगर को, आपतन बिंदु से अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण को आकृति में किससे सूचित किया है बताइए, यहाँ क्या लिखे थे ई, या बी जो किरण है वह कौन सी किरण है परावर्तित किरण, सुनाई दे रहा है, या बी जो किरण है कौन सी किरण हो गया परावर्तित किरण। आपतन बिंदु से वापस लौटने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं परावर्तित किरण। अब आइए अभिलंब, अभिलंब ने बताया था आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर यह खड़ी जो रेखा देख रहा है इसी रेखा को क्या कहते हैं अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इस पर जो भी किरण आती है उसी पथ पर टकरा करके वापस लौटती है, अभिलंब पर जो भी किरण को हम भेजते हैं उसका परावर्तन जो है उसी पथ पर होता है, इसीलिए एक तीर इधर से रही है और एक तीर जो है नीचे से रिखा है, तो नहीं यह अभिलंब हो गया। आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर खड़ी रेखा को क्या कहते हैं अभिलंब, अभिलंब को किससे सूचित किया था या बी के जो किरण हो गई वह क्या हो गया अभिलंब, या बी के जो देख रहा है रेखाखंड यह क्या हो गया अभिलंब। अब आइए अभिलंब के बाद से हम बताए थे आपतन कोण, आपतन कोण के बारे में सुन लीजिए। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा
इस आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? इंसिडेंस एंगल क्या है? कान खोल के सुनो फिर एक बार। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा आपतन बिंदु पर बढ़ने कोण को क्या कहते हैं? आपतन। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। कोण ए बी के या कौन सा कोण होगा? आपतन। कोई दिक्कत है? अब आइए परावर्तन कोण, आखिरी टॉपिक। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? कान खोल के सुनिए। या परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। फिर एक बार समझो, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है आप बताइएगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन कोण को किससे सूचित करता है? कोई दिक्कत है? सारा परिभाषिक शब्द समझ गया ना? आकृति तो आप परावर्तन कोण बराबर कोण ए बी ई, यही जो है परावर्तन कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? फिर एक बार समझ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है आप बताइएगा? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पीछे टकराती है तो टकराने के बाद से वो अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन से संबंधित प्रकाशिक शब्द कौन सा है? तो पहला आपतित किरण। प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं? आपतित। इंसिडेंस रेज कहते हैं। आकृति से आपतित किरण बराबर क्या है? ए बी। उसके बाद से हम बताए परावर्तक फेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। आपतित किरण, आपतित जो किरण होती है जिस अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है उसी पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक फेस। आकृति से परावर्तक पृष्ठ बराबर क्या है? सीडी। उसके बाद से बताया आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। आकृति से आपतन बिंदु क्या है? बी। आपतन बिंदु से वापस लौटने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तक किरण, रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। आकृति से रिफ्लेक्टेड रेज बराबर क्या है? बी। कोई दिक्कत है? उसके बाद से हम बताएं अभिलंब। आपतन बिंदु पर नपीड़ी के कोण पर खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। आप अभिलंब की विशेषता यह होती है कि इस पर जो भी किरण आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आकृति से अभिलंब बराबर क्या है? पी के। उसके बाद से आपतन कोण बताया, इंसिडेंस एंगल बताया। तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो आपतन बिंदु पर कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? आपतन। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। आकृति से आपतन कोण बराबर क्या है? ए पी के। उसके बाद से परावर्तन कोण बताया, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो परावर्तन कोण आप बताइएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन कोण को किससे सूचित करता है? आकृति से परावर्तन कोण बराबर क्या है? कोण ए बी ई। कोई दिक्कत है इसमें? अब घर पर जाकर के एक दो बार वीडियो देखने का समझ में आ जाएगा।